हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 1 फरवरी 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी की करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह मेमोरियल का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया था? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया है गुजरात में। सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात में डांडी नाम की जगह पर इस मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। 1930 में अहमदाबाद से डांडी तक की सॉल्ट सत्याग्रह यात्रा करके गांधी जी ने डांडी में नमक कानून को तोड़ा था। तो इसी घटना को दिखाने के लिए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह मेमोरियल का उद्घाटन किया गया और इस मेमोरियल में गांधी जी के साथ जो शुरू में 80 सत्याग्रही थे, जो उनके साथ यात्रा में शुरू में गए थे, उनकी मूर्तियां इस मेमोरियल में बनाई गई हैं। ये देखिए, ये मेमोरियल है जिसमें गांधी जी के साथ 80 सत्याग्रही की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। ये सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1930 में 12 मार्च से की गई थी और ये चला था 6 अप्रैल तक। इसकी शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की गई थी और दांडी में जाके गांधी जी ने सत्याग्रहियों के साथ नमक कानून को तोड़ा। ये टोटल यात्रा जो थी ये करीब 390 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी सभी सत्याग्रहियों के द्वारा गांधी जी के साथ। अब डांडी की लोकेशन देख लेते हैं। डांडी गुजरात में एक टाउन है, एक कोस्टल टाउन है जो सूरत ज़िले के पास स्थित है। ये आप जो लोकेशन देख रहे हैं ये है डांडी गुजरात में। किस एयरलाइन कंपनी ने 25 साल के बाद नई दिल्ली से नजफ के लिए सुविधा शुरू की है? तो एक लोकेशन है नई दिल्ली और दूसरी है नजफ। ये नजफ पड़ता है इराक में। तो नई दिल्ली से नजफ की जो सर्विस, एयर सर्विस शुरू हुई है, वो शुरू की है एयर इंडिया ने। तो सही आंसर है बी, एयर इंडिया। ये डिसकंटिन्यू कर दी गई थी वायलेंस की वजह से और अब ये दोबारा चालू की जा रही है अगले महीने से। नजफ की लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारी कंट्री इंडिया और इसके वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें यहाँ पर है इराक और इराक के ऑलमोस्ट मिडिल में है नजफ। नजफ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक होली प्लेस है, एक पवित्र स्थल है सिया मुस्लिम्स के लिए। तो इसीलिए ये एयरलाइन सर्विस शुरू की गई है नई दिल्ली से नजफ तक। ऑपरेशन ओलंपिक्स किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑपरेशन ओलंपिक्स स्टार्ट किया है केरला स्टेट ने। तो सही आंसर है सी, केरला। केरला ने यह ओलंपिक ऑपरेशन शुरू क्यों किया है? ये ओलंपिक शुरू करने का एम है कि ओलंपिक, आने वाले ओलंपिक के लिए केरला के स्पोर्ट्स और जो भी प्लेयर्स हैं उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके और उनको ओलंपिक मेडल जीतने के लिए उस लेवल की ट्रेनिंग दी जा सके। इसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि रनिंग, एथलेटिक्स हो गया, बॉक्सिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश बी सही आंसर है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये अनाउंसमेंट किया है। और ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी को लिंक करने के लिए बनाया जा रहा है। वेस्टर्न यूपी में मेरठ से लेकर ये ईस्टर्न यूपी में प्रयागराज या इलाहाबाद तक बनाया जाएगा। जो टोटल लेंथ होने वाली है इस हाईवे की 600 किलोमीटर लेंथ होगी और ये बनने के बाद विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे कहलाएगा। ये हाईवे जो होगा शुरू में 4 लेन का बनाया जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, इसको एक्सटेंड किया जाएगा 6 लेन तक। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट का और अगर ये बन जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हाईवे होगा जो 600 किलोमीटर लंबा होगा मेरठ से लेके प्रयागराज या इलाहाबाद तक। तो यूपी के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है?
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की गई है बेंगलोर में। तो सही आंसर है सी, बेंगलोर। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है और इसी हेडक्वार्टर में इसकी स्थापना की गई है। अब ये सेंटर करेगा क्या? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो के साइंटिस्ट को और जो भी स्पेस में जाने के लिए जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए इस सेंटर की स्थापना की जा रही है। और 2022 में जो मैंड स्पेस मिशन का टारगेट रखा गया है इसरो के द्वारा, उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये सेंटर काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये सेंटर है बेंगलोर, सही आंसर है सी। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो हाल ही में पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है और ये हैं सुमन कुमारी, सही आंसर है ए, सुमन कुमारी। जो इसमें बी ऑप्शन है ताहिरा सफदर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी कुछ महीने पहले। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी किसी हाई कोर्ट की। ताहिरा सफदर किसी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, और अभी हाल ही में सुमन कुमारी बनी है पहली हिंदू महिला जस्टिस, पहली हिंदू महिला न्यायाधीश। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। लोकपाल सर्च पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल सर्च पैनल का प्रमुख बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। तो सही आंसर है बी, रंजना प्रकाश देसाई, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं और ये लोकपाल सर्च पैनल की हेड हैं। अभी हाल ही में लोकपाल सर्च पैनल की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग करने का उद्देश्य यह है, या अगर हम कहें कि लोकपाल सर्च पैनल बनाने का ही उद्देश्य है कि लोकपाल और लोकपाल के मेंबर्स को रिकमेंड किया जा सके ताकि एक दूसरी कमेटी, हाई लेवल कमेटी, लोकपाल और उसके मेंबर्स को अपॉइंट करे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पैनल को गठित किया गया था सरकार के द्वारा, और इस पैनल में जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 8 मेंबर। 8 मेंबर का पैनल है जिसमें हेड है रंजना प्रकाश देसाई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में आदेश आया कि फरवरी एंड तक ये इस कमेटी को नाम रिकमेंड करने हैं और इसीलिए ये न्यूज़ में है। हाल ही में दिलीप सदारागिनी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दिलीप सदारागिनी बने हैं पार्ट टाइम चेयरमैन फेडरल बैंक के। तो सही आंसर हो गया बी, फेडरल बैंक। और ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं, और दूसरा फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है केरला में, केरला में अलुवा नाम की जगह पे फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। ये बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बैंक और उनके हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लीजिए, अलुवा केरला में फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। हाल ही में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया है? नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं जी अशोक कुमार। तो सही आंसर हो गया बी, जी अशोक कुमार। अच्छा, इससे पहले कौन थे वाइस चीफ के? वाइस चीफ कौन थे नेवल स्टाफ के? अजीत कुमार इससे पहले थे और अभी बने हैं जी अशोक कुमार। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? अभी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं सुनील लांबा, एडमिरल सुनील लांबा, और अभी जो नए अपॉइंटमेंट वाइस चीफ बने हैं वो हैं जी अशोक कुमार। चिन शरणार्थियों किस देश से भारत आए हैं? अभी काफ़ी न्यूज़ में है चिन शरणार्थी जो कि आए हैं म्यांमार से भारत में। तो सही आंसर हो गया सी, म्यांमार या बर्मा। चिन शरणार्थी बर्मा में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस की वजह से बचने के लिए भारत में आए हैं, और ये मणिपुर और मिज़ोरम में काफ़ी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। इसके अलावा एक और शरणार्थी ग्रुप काफ़ी न्यूज़ में है जो कि म्यांमार से भारत और बांग्लादेश में आकर बसा है, वो हैं रोहिंग्याज, रोहिंग्याज, रोहिंग्याज। तो ये दो नाम इम्पोर्टेंट हैं, चिन रिफ्यूजीज और रोहिंग्याज रिफ्यूजीज, जो दोनों बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं और दोनों आके भारत में अलग अलग स्टेट्स में बसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट डे का क्वेश्चन था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2018 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये वर्ड है नारी शक्ति, सही आंसर हो गया बी, नारी शक्ति। 2017 का जो वर्ड था वो था आधार, और 2018 का है नारी शक्ति। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 में भारत की क्या रैंक है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी डेली करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।